प्रदेश में किसानों की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के कारण हुए सबवा कवूत से किसान पहले ही परेशान था। अब किसान की उम्मीदें खरीफ की फसल पर लगी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अति वर्षा से क्षेत्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कपास, सोयाबीन, मक्का, केला, गन्ना आदि पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसके कारण किसान परेशान होकर आर्थिक बोझ में डूबते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सेरू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कसरावत SDM को ज्ञापन सौंपा। लगातार एक हफ्ते से क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण और हवा आंधी के तूफान के कारण कसरावत क्षेत्र में समस्त फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसको लेकर आज हमने सम्माननीय मुख्यमंत्री के नाम आज जो ज्ञापन हमने दिया SDM महोदय के नाम श्री तहसीलदार साहब महोदय को, इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग करी है कि जो क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जो फसलें खराब हुई है, जो बर्बाद हुई है, उन्हें तत्काल सरकार से मांग है कि तत्काल सर्वे कराए और उचित मुआवजा हमारे किसानों को प्रदान करें। सर, सुभाष यादव किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनके पुत्र कृषि मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री और सर अभी यादव जी, और अभी किसान आपके क्षेत्र का काफी परेशान है। केवल अभी पिछले दिनों की अगर अतिवृष्टि की बात करें तो उसके अलावा भी किसानों की और भी बहुत सारी समस्याएं, तो आने वाले समय में हम क्या देखेंगे, इस आंदोलन का रुख और तेज होगा? देखिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्वर्गीय श्री सुभाष जी यादव के छोटे पुत्र सम्मानित सचिन यादव जी, जो भी पिछले अभी 15 महीने के लिए कृषि मंत्री रहे, उन्होंने पिछले साल भी जो हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जो हमारी फसलें खराब हुई थी, 100% उन्होंने खुद स्वयं जाकर के उसका सर्वे करवाया और 100% किसानों को उचित मुआवजा दिया, फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा उनको प्रदान किया। खरगोन जिले के कसरावत से अबरार पठान की रिपोर्ट।